हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे। एक शख्स आके अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, रिज़्क में फरावानी का कोई ऐसा अमल बताएं जिसको हम अपने घरों में कायम करें तो चारों तरफ से बरकत हमारे साथ साथ हो। तो अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तीन काम अपनी औरतों पे नाफिस करो और तीन काम तुम खुद किया करो, देखना तुम्हारे घर में गैब से रिज़्क आएगा, खुशहाली चारों तरफ तुम्हारे साथ साथ रहेगी। तो वो अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन से काम हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने औरतों से कहा करो कि रात को बर्तन ऐसे ही न छोड़ा करे बल्कि बर्तन धो के उसके बाद सोया करे, क्योंकि सुबह के आगाज में रहमत के फरिश्ते घरों की तरफ आते हैं लेकिन जिस घर में मेले बर्तन पड़े हुए होते हैं उसकी तरफ रुख नहीं करते। दूसरा काम, अपनी औरतों से कहा करो सुबह के आगाज में घर की सफाई किया करें, क्योंकि घर की सफाई सुबह के आगाज में करना रहमत, बरकत और खुशहाली को घर में लाता है। और तीसरा काम कि जब भी खाना पकाए तो एहतियात से पकाया करे, उसको जलाया न करे, उसको गिराया न करे। जब तुम्हारी औरतें ये तीन काम घर में कायम करेंगी तो अल्लाह गैब के फरिश्ते जो रिज़्क बांटते हैं रोज तुम्हारे घर में भेजेगा और यूं तुम्हारे घर में फरावानी होगी। और वो तीन काम जो तुम खुद पे नाफिज करो, उसमें से पहला काम सोने से पहले अपना चेहरा और हाथ धो के सोना है, और दूसरा काम सुबह को उठ के खुद से ये वादा करना है कि मुस्कुरा के दिन गुजारूंगा, किसी भी अल्लाह के मखलूक से तलख कलामी नहीं करूंगा, और तीसरा काम जब भी अपनी औरतों को देखूंगा तो रहम और मोहब्बत की निगाह से देखूंगा, अपनी औरतों पे जुल्म नहीं करूंगा। ऐ शख्स, अगर तुमने ये तीन कानून खुद पे नाफिज किए तो जहां जहां तुम जाओगे कामयाबी, खुशहाली और बरकत तुम्हारे साथ साथ होगी।